ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे एश्योर्ड फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुमरा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जहां बिरयानी खाने के लिए महज 16 साल के एक नाबालिग लड़के ने 17 साल के एक नाबालिग लड़के पर 50 से भी ज़्यादा बार चाकू से वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया है। ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो चुकी है, लेकिन जिस भयानक तरीके से इस नाबालिग लड़के ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। मृतक लड़के का नाम यूसुफ बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली का है, जहां एक गली से यूसुफ जा रहा था और नशे में धुत एक नाबालिग लड़का, उसने यूसुफ को रोका और बिरयानी खाने के लिए यूसुफ के जेब से पैसे निकालने लगा। बताया जा रहा है कि यूसुफ के जेब में 350 रुपये थे, जिससे ये लड़का, जो नाबालिग लड़का है, जो आरोपी है, वो यूसुफ से पैसे छीनने लगा। मगर यूसुफ ने जब इसका विरोध किया तो इस नाबालिग लड़के ने चाकू से यूसुफ पर हमला कर दिया। करीब 50 से ज़्यादा बार यूसुफ पर इसने हमला किया चाकू से, और इस दौरान ये हाथ में चाकू लेकर नाचता भी रहा और यूसुफ को ज़मीन पर घसीटता रहा और उसके ऊपर चाकू से वार करता रहा। महज 350 रुपये छीनने के लिए और बिरयानी खाने के लिए यूसुफ पर इस ने जानलेवा हमला किया, जिसमें यूसुफ की जान चली गई है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। खबरों के अनुसार जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि ये नाबालिग आरोपी है और अब तक 2 से 3 हत्या के मामले में ये शामिल हो चुका है, लेकिन नाबालिग होने का ये फ़ायदा उठाकर बाल सुधार गृह से बाहर आ जाता है और आखिरकार उसने अब एक और भयानक घटना को अंजाम दिया। महज बिरयानी खाने के लिए 350 रुपये यूसुफ से ये छीन रहा था और यूसुफ ने विरोध किया, जिस पर 50 से भी ज़्यादा बार इस नाबालिग लड़के ने यूसुफ पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया।